नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद दूसरे अध्याय की बातें गहराई से समझेंगे। यह अध्याय भगवान की दिव्यता और उनकी सेवा के महत्व के बारे में बताता है। इसमें बताया गया है कि भगवान की सेवा और भक्ति हमारे लिए कितनी जरूरी है। यह सेवा हमें आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करती है और जीवन में शांति और संतोष लाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण एक खास किताब है जो हमें जिंदगी के सच और भक्ति का रास्ता दिखाती है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित कर सकते हैं। इस अध्याय में सीखते हैं कि भगवान की सेवा और भक्ति से हमें दिल की शांति और ज्ञान मिलता है। यह शांति और ज्ञान हमें जीवन की कठिनाइयों से निपटने में मदद करते हैं। सुध जी महाराज ने कहा है कि जो इंसान बिना किसी लालच के लगातार भक्ति करता है वो पूरी तरह तृप्त हो जाता है। यह तृप्ति हमें आंतरिक संतोष और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। और सबसे बड़ा धर्म है भगवान कृष्ण की प्यार भरी सेवा करना। यह सेवा हमें भगवान के करीब लाती है और हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। सुध जी महाराज कहते हैं कि जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो अपने आप ही ज्ञान और वैराग्य भी मिलता है। यह ज्ञान और वैराग्य हमें जीवन की मोह माया से मुक्त करते हैं। अब हम समझेंगे तीन गुणों के बारे में, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण हमारे जीवन और कर्मों को प्रभावित करते हैं। सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान और शांति का प्रतीक है। यह गुण हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। सत्व गुण से जीवन में संतुलन और स्थिरता आती है। रजोगुण सक्रियता, इच्छा और अस्थिरता का प्रतीक है। यह गुण हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन साथ ही यह हमें भौतिक इच्छाओं और लालच में भी फंसा सकता है। तमोगुण अज्ञानता, आलस्य और अंधकार का प्रतीक है। यह गुण हमें निष्क्रिय और आलसी बनाता है, जिससे हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। इन तीनों गुणों का संतुलन हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाता है। भगवान की सेवा और भक्ति से हम सत्व गुण को बढ़ा सकते हैं और रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव को कम कर सकते हैं। ध्यान दो, कोई भी काम चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर वो भगवान के संदेश की तरफ नहीं खींचता तो वो बेकार है। इसलिए हमें अपने हर कार्य में भगवान की सेवा और भक्ति को प्राथमिकता देनी चाहिए। असली मकसद है सबसे बड़े सच को पाना, न कि सिर्फ अपने मन को खुश करना। यह सबसे बड़ा सच हमें भगवान की सेवा और भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। चलिए दोस्तों, सब मिलकर भगवान की महानता को समझें और उनकी सेवा करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। यह सेवा हमें आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करेगी और जीवन को अर्थपूर्ण बनाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें और भी प्रेरणा मिलेगी और हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बना सकेंगे। कमेंट में हमें बताएं कि आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें। धन्यवाद।